हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। तो सीबीएसई 2024 के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस चैप्टर का वेटेज के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। इन एपी ऑफ 40 टर्म, यानी कि एपी के अंदर टोटल 40 टर्म है, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म इज 153, इन द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म इज 687। फर्स्ट 9 टर्म का सम है वो 153 है और लास्ट 6 टर्म का सम है वो है 687। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देन फाइंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ द एपी फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। नाउ यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन सीज है के उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ द टर्म कितने है यहाँ पे। अब फर्स्ट 9 टर्म का सम कितना है 153, यानी कि एस 9 इज इक्वल टू 153। सपोज कि फर्स्ट टर्म उसका ए 1 इज इक्वल टू ए है और कॉमन डिफरेंस बी है। ओके, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पे ऐसा होगा उसका कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ऐसा जो फॉर्मूला है इसके अंदर एस एन की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट 9 टर्म की वैल्यू है वो, तो एन की वैल्यू 9 के लिए 153 है, इज इक्वल टू एन की वैल्यू 9 डिवाइड बाई टू टू ए, एक ए क्या मिलेगा आपको 9 माइनस 1, डिफरेंस का डी का डी एडिट करो तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लीकेशन इस साइड जाएगा तो 153 डिवाइड बाई 9 या फिर 1 अपॉन 2। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस 9 माइनस 1 8d। ठीक, 2a और 8d को 2 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा a प्लस 4d, a प्लस 4d मिलेगा यहाँ पे आपको। और 153 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 70, कितना मिलेगा आपको 79 जो 153 होता है ना। तो यहाँ पे ए को सब्जेक्ट बना तो ए इज इक्वल टू क्या मिला आपको 17 माइनस 14 सॉरी 4d, 17 माइनस 4d, तो आपका इक्वेशन 1 भेज दो इसको। ओके, नाउ अब जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज गिवन है कि लास्ट 6 टर्म का, 40 टर्म है तो लास्ट 6 टर्म में कौन कौन सी आती है उसका सबका सम कितना है 687 है। लास्ट 40 टर्म पहले तो ए 40 आएगा, उसके बाद ए 39 आएगा, उसके बाद ए 38 आएगा, 3 टर्म हुई ए 37 आएगा, 4 टर्म 5 टर्म ए 36 आएगा और 6th टर्म ए 30 आएगा। ए 35 यानी कि क्या होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाला फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ए 35 यानी कि क्या होगा ए प्लस 34 डी। 36 टर्म है ए 36 यानी कि क्या होगा ए प्लस 35 डी। 37 टर्म यानी कि ए प्लस 36 डी। 38 यानी कि क्या होगा ए प्लस 37 डी। 39 टर्म यानी कि ए प्लस 38 डी, ए प्लस 38 डी। और 14 टर्म यानी कि ए प्लस 39 डी इज इक्वल टू कितना है 687 है 687।
अब मैं 7 को यहाँ पे थोड़ा 6 डिग्री से वाला सा लिख देते हैं हम लोग। नाउ ए प्लस ये कितने टाइम ए आए, 6 टाइम ए आए, तो 6A 34 प्लस 36 कितना होगा, 34 प्लस 36 यानी कि 40 हो जाता है, फिर 70 हो जाता है। ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा, सबको अलग अलग ही करना पड़ेगा। ठीक, हम लोग नॉर्मली एडिशन कर देते हैं, 34 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 39। ठीक, 4 प्लस 5 9 9 प्लस 6 15 15 प्लस 7 15 प्लस 7 22 22 प्लस 8 22 प्लस 8 यानी कि 30 30 प्लस 9 39 39 का 9 यानी 3 1 2 3 4 5 6 7 279 कितना हो रहा है, 279D 279D इज इक्वल टू 683। एनी मिस्टेक तो नहीं है ना कोई यहाँ पे, ठीक है हम लोग देख लेते हैं इसका एडिशनल कैल्क कि 34 34 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 39। ठीक, थोड़ी मिस्टेक है हमारी, ये 3 टाइम 3 है ना, कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 3 21 होता है ना, तो यहाँ पे 219 आएगा। कितना आएगा, 219। ठीक, अब यहाँ पे सबको क्या करो, ये सॉरी ये भी गलत हमने कर दिया, यहाँ पे 687 गिवन है सम में, यहाँ पे सब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, बट 3 से डिवाइड हो सकता है, तो आप एक ही जगह पे डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, दोनों साइड आप 3 से डिवाइड कर, तो 6 से डिवाइड बाय 3 करोगे तो 2 ये मिलेगा। ठीक, 219 है, 219 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 7 3 21 और 3 3 यानी कि आपको 73D मिलेगा, और 683 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 अगेन, और 27 यानी कि 229 ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करो, पुट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पुट कर दो तो ए का ए फिर 2 का 2 एक ही जगह पे क्या लिख देंगे, 17 माइनस 4D प्लस 73D इज इक्वल टू 229, तो 17 2 जाए कितना होगा, 34, और 2 इंटू 4 2 4 जाए 8D प्लस 73D इज इक्वल टू 229। यहाँ पे 73 माइनस 8 करेंगे हमें क्या मिलेगा, 65D, और यहाँ पे 34 इस साइड आएगा तो क्या होगा, 229 माइनस 34, 229 माइनस 34 करेंगे 229 माइनस 34 आपको मिलेगा 195, और 195 डिवाइड बाई 65 यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, डिवाइड बाई 65 करोगे तो डिवाइड बाय 65 तो आपको 3 मिल जाएगा, तो डी की वैल्यू आपको फुल एंड फाइनली क्या मिली, 3। डी की वैल्यू 3 मिलती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी इज इक्वल टू 3 होगा, तो इक्वेशन 1 के बेस इक्वेशन 1 ए इज इक्वल टू क्या होगा, 17 माइनस 4 ब्रैकेट में डी की वैल्यू 3, 3 4 12, तो 17 माइनस 12 कर दोगे तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पे 17 माइनस 12 यानी कि 5, ए इज इक्वल टू होगा आपका 5।
एक ही वैल्यू आपको फाइनली कितनी मिलती है, एक ही वैल्यू 5 मिलती है। नाउ अब यहाँ पे SN की वैल्यू S40, ठीक, तो S40 डायरेक्टली हम SN इज इक्वल टू क्या होता है N बाई, क्या आगे फॉर्मूला हम लोगों ने एक बार यूज कर लिया है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, ठीक, तो इसका ही यूज करते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली लिख देते हैं S40 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, टास्क है ना, पहले आप लोग होमवर्क अभी प्रैक्टिकली सोल्व कर दो कि SN की वैल्यू फाइंड आउट करो, बाद में मुझे यहाँ पे आप सोल्यूशन देखना, मुझे आंसर बताना। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या है 5 प्लस और n माइनस वन यानी कि 40 माइनस 1 39, डिफरेंस कितना है 3। हाँ यहाँ पे कैलकुलेट करो, बाद में आंसर यहाँ पे पहले कमेंट कर, तब तक वीडियो पॉज कर देना, ठीक। 40 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 20 मिलेगा, 2 5 जा 10, ठीक, 39 3 जा 59 इंटू 3 करोगे तो आपको 117 मिलेगा, 117 और 117 प्लस 10 यानी कि 127, 20 इंटू 127, ठीक। और इंटू 20 कर देंगे तो आपको आंसर फुल एंड फाइनली आंसर मिलेगा 2540, ठीक, 2520 40। S40 के यानी कि फर्स्ट 40 टर्म का सम है, तो यहाँ पे AP है उसके सारे टर्म का सम कितना होगा 2540, ऐसा आंसर होगा। एक क्वेश्चन है वो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं, इसलिए आप लोगों को इसको पूरा प्रॉपरली एकदम मस्त मजा से लिखने का रहेगा, ठीक। एक बार हम फटाफट यहाँ पे वापस इसका और भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे टोटल टर्म कितने की होने 40 टर्म की होने, और फर्स्ट 9 टर्म का सम कितना है 153, तो SN इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d, ये वाला फॉर्मूला यूज करो और उसमें पुट कर दो, SN 153 है फर्स्ट 9 टर्म का सम, n की वैल्यू 9 पुट कर दो, a की वैल्यू यही रखो n-1 यानी कि 9-1d, तो 8d हो जाएगा, यहाँ पे 9 है वो इस साइड है तो डिवीजन में गया, 153 डिवाइड बाई 9 करोगे तो आपको 17 मिलेगा, और यहाँ पे 2 है उसको अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 2 डिवाइड बाई 2 ए हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4d होगा, ए को सब्जेक्ट बनाओगे तो 17-4d, इस तरह से आपको इक्वेशन 1 मिलेगा। अब आपके पास यहाँ पे लास्ट 8 6 टर्म का सम गिवन है, तो लास्ट 6 टर्म यानी कि क्या होता है a35 a36 a37 a38 a39 a40, ये 6 टर्म का सम कितना है 1687 है। a35 यानी कि क्या होता है a+34 a+36 यानी कि a+35d, 37 यानी कि a+36d होगा, a38 यानी कि क्या होता है a+37d, सिमिलरली a38d a+39d, तो सबका सम कितना 687, a+ है 6 टाइम ये है, a+34 + 35d + 36d + 37 + d, 38d + 39d, सबका सम करोगे तो 219d मिलेगा, आपको कितना मिलेगा 219 हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे सम इसका किया हुआ है। डिवाइड बाई थ्री बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 6x/3 करेंगे यानी कि 2a मिलेगा, 219/3 करेंगे तो 21d मिलेगा, 73d मिलेगा, और यहाँ पे 687/3 करेंगे तो 219 मिलेगा, 229 मिलेगा। नाउ इक्वेशन 1 की वैल्यू है 17 - a = 17 - 4d, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ a की जगह पे हम 17 - 4d पुट कर देते हैं, तो 217 जा 34, 24 जा -8d, यहाँ पे 73d ऑलरेडी है, तो 73d - 8d करोगे तो क्या मिलेगा 65d, और यहाँ पे 34 प्लस में इस साइड गया तो माइनस, तो 229 - 4 करो तो 195 मिलेगा, यहाँ पे 65 वो d के मल्टीप्लीकेशन इस साइड आएगा तो डिनोमीटर पे 195/65 करोगे तो आपको d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिलेगी, कितनी मिलेगी 3, और ये डी की वैल्यू 3 है वो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 17 - 4 ब्रैकेट में 3, तो 4 3 जा 12, 17 - 12 करोगे तो क्या मिलेगा एक की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। अब आप SN का फॉर्मूला SN = n/2 2a + n-1d, ए की वैल्यू 5 पुट करो, डी की वैल्यू 3 पुट करो, और एन की वैल्यू है वो 40 पुट कर दो, आप सिंप्लीफाइड करोगे तो 2540, ऐसा आंसर आपको मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं।
थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।